Tucker Boy. This one sounds like you. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मूवीज कार्ड पर। यहाँ पर आपको मिलती है बॉलीवुड और हॉलीवुड की अलग अलग कैटेगरी की सबसे बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट वाली वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन जेंट्स मॉन्स्टर्स वाली फिल्मों की लिस्ट। ये सभी फिल्में हिंदी में अवेलेबल है, तो चलिए देखते हैं आज की ये लिस्ट। लिस्ट में नंबर 5 पर मूवी है जैक द जेंट स्लेयर। यह सन 2013 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 और 72% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। मूवी में हम कहानी देखते हैं जैक, इजाबेल और कुछ जादुई बीजों की। ये जादुई बीज जैसे ही पानी के संपर्क में आते हैं तो तुरंत ही लंबी लंबी बेलें आसमान की ओर बढ़ती चली जाती हैं और वहाँ ऊपर जाकर एक जगह पर रुक जाती हैं। इन बेलों में राजकुमारी इजाबेल और जैक का घर भी फंस कर ऊपर चला जाता है। तो अब जैक और राजा के सैनिक उन बेलों से चढ़कर ऊपर जाते हैं और फिर हम देखते हैं बहुत ही विशाल काय घिनौने राक्षस। फिर ये राक्षस धरती पर आ जाते हैं और बहुत सारी तबाही मचाते हैं। तो अब आगे क्या कुछ होने वाला है, इस सब आपको मूवी में देखना है। बहुत ही कमाल की मूवी है। लिस्ट में नंबर 4 पर मूवी है द BFG। ये सन 2016 में रिलीज हुई एक फैमिली फैंटेसी बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 और 78% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। मूवी में कहानी दिखाई गई है सोफी नाम की एक लड़की की, जो कि एक जेंट से दोस्ती कर लेती है। हालांकि यह जेंट लगभग इंसानों की तरह ही दिखाई पड़ता है। यह जेंट अपनी बिरादरी वाले जेंट्स द्वारा बहिष्कृत किया गया होता है, क्योंकि यह इंसानों को चोट पहुंचाने से इनकार कर देता है। यह जेंट सोफी के साथ बड़े ही मजे से रह रहा होता है कि तभी बाकी के जेंट सोफी को मारने का प्लान बनाते हैं और अब कहानी बड़ी हिंसक और रोमांचक हो जाती है। तो कैसे यह जेंट जिसका नाम है द BFG उन बुरे जेंट से लड़ेगा और सोफी को बचाएगा, ये सब आपको मूवी में देखना है। And laughter. Times will be hard, times will be soft. लिस्ट में नंबर 3 पर मूवी है अ मॉन्स्टर कॉल्स। ये सन 2016 में रिलीज हुई एक फैंटेसी ड्रामा बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 और 73% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। मूवी में हम कहानी देखते हैं कोनोर, उसकी माँ और एक पेड़ राक्षस की। मूवी में कोनोर की माँ को एक लाइलाज बीमारी होती है। कोनोर हमेशा अपनी माँ के पास रहता है और उनकी देखभाल करता है। दूसरी ओर कोनोर को उसके क्लासमेट बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं और कोनोर को बहुत ही बुरे बुरे सपने आते हैं। एक रात को कोनोर चर्च के पास एक पेड़ को राक्षस के रूप में बदलते देखता है और अब राक्षस कोनोर के घर की तरफ आता है। तो अब आगे मूवी में क्या कुछ होता है, कि अब राक्षस कोनोर और उसकी फैमिली को मार देता है या फिर उनके लिए एक मसीहा बन जाता है, ये सब आपको मूवी में देखना है। लिस्ट में नंबर 2 पर मूवी है ट्रोल हंटर। ये सन 2010 में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10 और 85% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। मूवी में हम कहानी देखते हैं कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जंगल में रहस्यमय तरीके से मारे गए भालुओं के बारे में जानने और उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जाता है। यहाँ वे स्टूडेंट्स लोकल हंटर्स का इंटरव्यू लेते हैं पर इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। फिर उन्हें शक होता है एक हैंस नाम के हंटर पर, जो किसी सीक्रेट काम के लिए हर रात जंगल में बिताता है। ये ग्रुप हैंस का पीछा करते हुए जंगल पहुंच जाता है और वहां उनके ऊपर हमला करते हैं अजीबों गरीब विशाल काय राक्षस। तो अब ये सभी लोग अंधेरे जंगल में हैंस के साथ मिलकर कैसे सरवाइव करेंगे, ये सब आपको मूवी में देखना है। बहुत ही जबरदस्त मूवी है। लिस्ट में नंबर 1 पर मूवी है द मिस्ट। यह सन 2007 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 और 85% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। मूवी की कहानी में हम देखते हैं कि एक भारी तूफान के साथ शहर में काफी तबाही मचती है और पहाड़ी एरिया में काफी ज्यादा धुंध दिखाई पड़ती है। ऐसी धुंध या कहें मिस्ट लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। धुंध के पास आर्मी का काफिला जाता है और तेजी से वापस भी आ जाता है। अभी एरिया के लोगों को शक होता है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, इसीलिए अधिकतर लोग एक सुपरमार्केट में जरूरत की सारी चीजें खाने पीने का सामान खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर देखते ही देखते पूरे एरिया में धुंध छा जाती है और इसी धुंध से निकलते हैं अजीबों गरीब क्रिएचर्स जो लोगों को अलग अलग तरीकों से मार देते हैं। तो ये क्रिएचर्स मॉन्स्टर्स आखिर कहां से आए हैं और ये सारे लोग इनसे कैसे बचेंगे, ये सब आपको मूवी में देखना है। ये थी आज की फिल्मों की लिस्ट। तो इनमें से आप कौन सी मूवी अब देखना चाहेंगे, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा
और ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।